नमस्कार, हम दीपाकरण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आगामी 3 दिन धरि मौसमी अवस्था में तत्काल सुधार नहीं होयत जल तथा मौसम विभाग की अनुमान, आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल सबके सकेलक अनुरोध। वरिष्ठ वामपंथी नेता विष्णु बहादुर मानंदर के 91 वर्ष के उम्र में भेलनि निधन। आइए पशुपति में कायल जा रहल छन अंत्येष्टि। वायु प्रदूषण के कारण आई से 4 दिन धरि देशभर के शिक्षण संस्था भेल बंद। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार होयत परीक्षा कार्यक्रम सब। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड हत्या प्रकरण के अभियुक्त पूर्व पुलिस अधिकारी विरुद्ध के सुनवाई अछि जारी। आई होयत दोसर सुनवाई। अफ्रीका कप ऑफ नेशन समूह चरण के खेल में इजिप्ट हासिल कलक शानदार जीत। कोमोरोस 4-0 गोल अंतर से भेल पराजित। आ पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आ भीम रावल के पार्टी के साधारण सदस्य से समेत हटाकर पार्टी से निलंबित कल गेलन। पार्टी आ नेतृत्व विरुद्ध लागल कहत प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल आ रावल के पार्टी से 6 महीनाक लेल निलंबन कल गेल पत्र पठौलन। एहि से पहिने केंद्रीय समिति के बैसार से मांग कल गेल स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहल कहत अध्यक्ष ओली दुनू नेता के पार्टी से निलंबन कल गेलन कहकर पत्र में उल्लेख कलन। साथे ई सुधारबाक लेल अंतिम मौका रहल कहत पत्र में कहल गेल अपन विचार आ क्रियाकलाप समय सुधार क के जँ पार्टी के पक्ष में आयल तँ निलंबन अवधि के बीचे में सेहो निलंबन के अवधि घटेबाक निर्णय कयल जा सकैत अछि कहकर पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। जल तथा मौसम विभाग आबवला 3 दिन धरि वायुमंडल स्थिर अवस्था में रहत ताहि लेल मौसमी अवस्था में तत्काल सुधार नहीं होयत जनौलक अछि। न्यून वर्षा भेलाक कारण वायुमंडल सूखा रहल अवस्था में देश के विविध स्थान में असामान्य प्रकार के धुनि लागल कहकर विभाग उल्लेख कयने अछि। हाल देश के कतेको स्थान में वायुमंडल स्थिर अवस्था में रहलाक कारण प्रदूषणक कण सब फैल नहीं सकलाक सँ वायुमंडल के निचले तह में तैर रहल अछि ताहि सँ असामान्य प्रकार के धुनि लागल विभाग जनौलक अछि। देश के अधिकांश जिला के बहुतो जंगल में लागल आग से सृजित धुआं के कण सब वायुमंडल में स्थिर भेलाक कारण असामान्य प्रकार के धुनि लागल विभागक प्रवक्ता सुमन कुमार रेग्मी द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। धुनि के कारण आँखि दुखेनाय आ श्वास प्रश्वास में समेत समस्या भेनाय जेहन नकारात्मक असर से बचबाक लेल आवश्यक कार्य के अतिरिक्त घर से बाहर नहीं निकलबाक लेल आ जँ निकलै पड़त तँ मास्क लगा कऽ आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल विभाग सबको से अनुरोध कयलक अछि। वरिष्ठ वामपंथी नेता विष्णु बहादुर मानंदर के निधन भेल अछि। ललितपुर स्थित पाटन अस्पताल में उपचाररत मानंदर के 91 वर्षक उमेर में सोम दिन साँझ में हुनकर निधन भेलन। विक्रम संवत 1989 में जन्म भेल मानंदर 29 वर्ष धरि नेकपा संयुक्त के महासचिव छलथि। नेपाली कांग्रेस से राजनीति शुरू करनिहार मानंदर विक्रम संवत 2010 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता लेने छलनि। ओ 2007 साल में अपने पिता द्वारा किसान के देल गेल ऋण के तमसुक फाड़ कर राजनीति शुरू केने छलनि। हुनकर एकटा बेटा आ 3टा बेटी छनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार आई से 4 दिन धरि देशभर के शिक्षण संस्था बंद करबाक निर्णय कयलक अछि। काल्हि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में शिक्षा मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ के अध्यक्षता में मंत्रालय अंतर्गत के उच्च अधिकारी सब सहभागी भेल बैसार से 4 दिन धरि देशभर के संपूर्ण शिक्षण संस्था बंद करबाक निर्णय कयलक छल। बीतल शुक्र दिन से देशभर वायु प्रदूषण बढ़लाक कारण विद्यार्थी सबक स्वास्थ्य अवस्था के ध्यान में रखैत चैत 17 गते से 20 गते धरि के लेल छुट्टी देबाक निर्णय कयल गेल। मंत्रालयक सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्मा बतौलनि अछि पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार परीक्षा संचालन कऽ रहल विश्वविद्यालय सब तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था सब स्वास्थ्य सजगता अपनाबैत परीक्षा कार्यक्रम सब संचालन कऽ सकबाक समेत बतौलनि अछि। यो स्वास्थ्य प्रतिकूलता
नहोस् भन्नको लागि तत्कालका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरू 2077 चैत्र 20 गतेसम्म का लागि बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। त यो धुवा धुलो को कारणले त्यसैले अभिभावकहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो बालबालिकालाई घरभित्रै राख्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। र जहाँसम्म विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाका नियमित परीक्षाहरू छन्, पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू, ती परीक्षाहरू चाहिँ यथावत नै रहनेछन्। चैत 21 गते शयन दिन पड़ जाएतै ताहिले लाभवला रवि दिन सम्मात्र शिक्षण संस्था पुनः संचालन होयत। संसद सँ अनुमोदन के सवाल में दुविधा में रहल तेजाब अर्थात एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ के नियमन करबाक नियमावली पारित भेल अछि। सरकार अध्यादेश के आधार मानित नियमावली जारी केलक अछि। नियमावली अनुसार तेजाब या अन्य घातक रासायनिक पदार्थ के आयात निर्यात तथा उत्पादन करबाक हेतु गृह मंत्रालय के अनुमति लेनाइ अनिवार्य अछि। जाहिक लेल 25,000 रुपया दस्तूर तीर पड़त, मुदा एहि के बिक्री के लेल 10,000 रुपया तीर क अनुमति लेबऽ पड़त। एक बेर में 1 किलो से बेसी एसिड आयात निर्यात केला पर गृह मंत्रालय के अनुमति अनिवार्य रूप से लेबऽ पड़त। उद्योग, प्रयोगशाला, अनुसंधान शाला, शैक्षिक संस्था, कार्यशाला, वर्कशॉप, धातु के गहना बनाबला कंपनी के मासिक 1 लीटर या 1 किलो तेजाब प्रयोग करक लेल प्रमुख जिला अधिकारी समक्ष निवेदन पेश कर पड़त। बीतल आसिन 12 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ई अध्यादेश प्रमाणीकरण केने छलनि। ई अध्यादेश विघटित संसद के समय में जारी भेल छल। सरकार रेशम चौधरी सहितक बंदी सब के रिहाई के मांग करैत आंदोलनरत पक्ष संगे वार्ता करबाक हेतु टोली गठन केलक अछि। रेशम चौधरी सहितक बंदी सब के रिहाई के मांग करैत आंदोलनरत पक्ष संगे वार्ता करबाक हेतु सरकार गृहमंत्री रामबहादुर थापा के नेतृत्व में प्रधानमंत्रीक परराष्ट्र मामला सलाहकार डॉक्टर राजन भट्टराय आ पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य रहल वार्ता टोली गठन केलक अछि। थारू कल्याणकारी सभा, थारूहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेको 19 विधि माग सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य हुनुभएको 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। यो वार्ता टोली गठन हुनुसाथ तुरुन्तै आजैबाट सम्बन्धित थारू कल्याणकारी सभासँग वार्ता बस्ने पनि म यहाँ बिचमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। थारू कल्याणकारी सभा, थरुहट थरुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति आ केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति द्वारा कयल गेल 19 बुन्दा के मांग सम्बोधन करक लेल वार्ता टोली गठन कयल गेल। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार मंत्री पार्वत गुरुङ जानकारी देलनि अछि। थारू कल्याणकारी सभा संगे वार्ता होयत सेहो मंत्री गुरुङ जानकारी देलनि अछि। गृहमंत्री थापा मैतीघर स्थित धरना स्थल में पहुँच कऽ वार्ता में अयबाक लेल अनुरोध केने छलनि। आब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सीमेंट सबै भन्दा स्तरीय सीमेंट नेपाल राष्ट्र बैंक बढ़ रहल सूचना प्रविधि के विकास संगे बैंकिंग क्षेत्र में देखल गेल नवका प्रवृत्ति के कारण चुनौती आर बढ़ल जनौलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कानून द्वारा नहि समेटल गेल विषय नियंत्रण में समस्या रहल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी बतौलनि अछि। अधिकारी बैंकिंग कसूर आ सजाय संबंधी कानून जारी भेलाक बाद बैंकिंग कसूर जन्य क्रियाकलाप के नियंत्रण में मदद त भेटत, मुदा पछिला किछु समय में कसूर के नवका प्रवृत्ति सँ चुनौती आर बढ़ल ओ बतौलनि अछि। जाहिक लेल विद्यमान कानूनी व्यवस्था में संशोधन आ परिमार्जन करऽ पड़बाक अधिकारीक धारणा छनि। कार्यक्रम में बैंकिंग प्रणाली में देखल गेल कसूर के नियंत्रण करैत वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारण के विश्वसनीयता अभिवृद्धि करऽ पड़बाक आवश्यकता ऊपर जोर देल गेल छल।
अमेरिका में अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड हत्या प्रकरण के अभियुक्त पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक शाविन विरुद्ध सुनवाई जारी। सुनवाई के पहल दिन सोम दिन अभियोजन पक्ष जॉर्ज फ्लॉयड हत्या के पूरा वीडियो अदालत में देखौने छल, जाहि में डेरेक शाविन अपन ठेहुन जॉर्ज फ्लॉयड के घेच में रखने देखल गेल। अभियोजन पक्ष प्रहरी अधिकारी अत्यधिक बल के प्रयोग केने आरोप सेहो लगौलक अछि। अभियोजन पक्ष अदालत समक्ष डेरेक शाविन दोषी रहला कारण उचित सजाए देबाक हेतु मांग कयलक अछि। तहिना डेरेक शाविन के प्रतिरक्षा में उपस्थित कानून व्यवसाय जॉर्ज फ्लॉयड के स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छल आ ओ ड्रग्स के सेवन सेहो केने छलन, ताहि लेल हुनकर मृत्यु भेल बतौलक अछि। सुनवाई सामाजिक आ राजनीतिक आधार नहि भ प्रमाणक आधार में करबाक लेल मांग कयल गेल अछि। दोसर सुनवाई आइ स्थानीय समय अनुसार भिनसर 9:30 बजे शुरू होबाक कहल गेल छल। सुनवाई सम्पन्न होबाक लेल 4 सप्ताह के समय लगबाक अनुमान कयल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। इजिप्ट अफ्रीका कप ऑफ नेशन समूह चरण के खेल में शानदार जीत हासिल कलक। घरेलू मैदान में भेल खेल में इजिप्ट कोमोरोस ऊपर 4-0 गोल अंतर के शानदार जीत हासिल कलक। सलाह 2 गोल केने छलन त मोहम्मद इलानी आ मोहम्मद शरीफ समान 1-1 गोल केने छलन। इजिप्ट शुरुआती 25 मिनट भीतरे आ 10 मिनट के दौरान में 4 गोल केने छल। कायरो इंटरनेशनल स्टेडियम में काल रात भेल खेल में घरेलू टोली खेल के 15 मिनट में मोहम्मद इलानी के गोल से आगू भेल छल। सलाह 21 आ 25 मिनट में गोल करैत इजिप्ट के 4-0 गोल से आगू बढ़ौने छला। दोसर हाफ में सेहो इजिप्ट अतिथि टोली के दबाव में राखलाक बावजूदो आर गोल नहीं कऽ सकलाक कारण पहिले हाफ के 4 गोल इजिप्ट के जीत के लेल पर्याप्त छल। जीत संगे इजिप्ट समूह जी में 6 खेल से 12 अंक जोड़ैत शीर्ष स्थान में अछि त पराजित कोमोरोस 9 अंक जोड़ैत दोसर स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आगामी 3 दिन धरि मौसमी अवस्था में तत्काल सुधार नहि होयत जल तथा मौसम विभाग के अनुमान, आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल सब केओ सँ केलक अनुरोध। वरिष्ठ वामपंथी नेता विष्णु बहादुर मानंदर के 91 वर्ष के उम्र में भेलनि निधन, आइए पशुपति में कयल जा रहल छनि अंत्येष्टि। वायु प्रदूषण के कारण आइ सँ 4 दिन धरि देश भर के शिक्षण संस्था रहत बंद, पूर्वे निर्धारित कार्यतालिका अनुसार होयत परीक्षा कार्यक्रम सब। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड हत्या प्रकरण के अभियुक्त पूर्व पुलिस अधिकारी विरुद्ध के सुनवाई जारी, आय है दोसर सुनवाई। अफ्रीका कप ऑफ नेशन समूह चरण के खेल में इजिप्ट हासिल कलक शानदार जीत, कोमोरोस 4-0 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सभक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सभक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सभक प्रतिबद्धता, कोरोना वायरस के संक्रमण सँ बचबाक लेल नियमित हाथ धो, भीड़भाड़ सँ अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।